हो ना हो, मगर दो प्रॉब्लम हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। एक तो हमारी स्किन की ड्राइनेस और रफनेस, रूखापन, और दूसरा जो है वो चेहरे और हाथ पैरों का कालापन। ये दो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी लोगों को होती है, मुझे भी होती है, क्योंकि मेरी स्किन भी सर्दियां आते ही बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है। तो मैं अपनी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग, सफल बनाने के लिए लगाती हूँ ग्लिसरीन ब्लीच, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ग्लिसरीन का इस्तेमाल हम किस तरह से अपने चेहरे पे करें कि स्किन गोरी हो जाए, टाइट हो जाए, यंग दिखे और फेयर दिखे और नतीजे बहुत अच्छे मिले और स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना दिखे, तो इसके लिए आज का वीडियो आप देखिए, बहुत कमाल का वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। ये विंटर के लिए स्पेशल वीडियो है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो का टॉपिक सुनते ही अगर आपको मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आज ही विजिट कर रहे हैं, तो मेरा नाम निगार है और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ अमेजिंग नेचुरल रेमेडीज। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा अगर आप बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सब्सक्राइब का बटन पास ही दिया हुआ है, जल्दी से चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। चलिए फटाफट से बनाते हैं हम अपनी नेचुरल ग्लिसरीन ब्लीच, ठीक है। तो इस ब्लीच का इस्तेमाल, जिसकी मैंने पहले ही बताया कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे हम, तो ग्लिसरीन हमें चाहिए प्योर, या आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे या फिर ऑनलाइन आप देखोगे, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ग्लिसरीन के अंदर नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, स्किन को ग्लोइंग और टाइट बनाने के साथ ही साथ ये आपकी स्किन को रिंकल्स फ्री करती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आपकी स्किन को रिपेयर करती है और फेस के ग्लो को बढ़ाने के साथ साथ चेहरे पे किसी भी तरह का कालापन है, मैल है, दाग धब्बे हैं, उनको हटाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लीच जो हम तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ग्लिसरीन की ज़रूरत है। तो तकरीबन आधा चम्मच ग्लिसरीन हमें चाहिए। फ़ायदे सारे मैंने बता दिए, नो डाउट कि ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे आधा चम्मच ली है ग्लिसरीन। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वो है रॉ मिल्क, ठीक है। कच्चा दूध और ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त और कमाल का होता है गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आपकी स्किन को तुरंत सॉफ्ट करता है, तुरंत ग्लो लेकर आता है। मैं खुद इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ अक्सर सर्दियों में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे रॉ मिल्क की जी क्वांटिटी हम डालेंगे वो है 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच आपको रॉ मिल्क इसमें ऐड करना है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि रॉ मिल्क आपकी स्किन की फेयरनेस को बढ़ाने के साथ ही साथ आपकी स्किन को एंटी एजिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज भी देता है, ठीक है। रिंकल्स फ्री स्किन अगर आपको चाहिए तो रॉ मिल्क लगाइए, क्या कमाल के रिजल्ट आएंगे आप खुद देखोगे, ठीक है। 2 चम्मच हमने ऐड किया रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो है रोगन बादाम तेल, प्योर ऑलमंड ऑयल। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बेस्ट अगर आप तेल चाहती हो ऑलमंड ऑयल या फिर प्योर ऑलमंड ऑयल की ज़रूरत है, आपने अक्सर मुझे इसी तेल का इस्तेमाल करते देखा होगा। विटामिन ई का खजाना है, साथ ही साथ स्किन के ऊपर ग्लो, शाइन, सॉफ्टनेस के लिए, ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए और स्किन को हील करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे गुण समाए इसमें। आधा चम्मच आपको इसमें रोगन बादाम की ऐड करनी है, सिर्फ आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ इंग्रेडिएंट यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है हल्दी। हल्दी के फेयरनेस गुड से हम सब वाकिफ़ हैं, उपटन हो, चाहे फेयरनेस फेस पैक हो या फिर किसी भी तरह का फेस पैक अगर आप यूज़ करती हो, तो भर भर कर हल्दी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चेहरे के ग्लो को, फेयरनेस को बढ़ाती है, रंग गोरा करती है, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पिंच हल्दी का इस्तेमाल करना है, बट हल्दी आपकी प्योर होनी चाहिए, घर की पिसी होनी चाहिए, नहीं तो आप वाइल्ड टर्मरिक का इस्तेमाल करोगी। मैं इसमें अपने घर की पिसी हल्दी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 1 चुटकी डालना है, नहीं तो आपका जो है ना चेहरे पे पीलापन आएगा, पीला पीला सा लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो 1 चुटकी हमने हल्दी ऐड करी। और लास्ट में यहाँ पे एक और बहुत ही पावरफुल ब्लीच बनाने के लिए हम ऐड करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस का, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना आपको, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे क्योंकि लेमन हमारी स्किन को ब्लीच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स आपको लेमन जूस की ऐड कर दी है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है।
अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स करो, और जब आप इसको मिक्स करोगे, एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर दे रही हूँ कि ये जो दूध हमने डाला है ये आपको लगेगा कि ये फट गया है या थिक हो गया है। ये देखो आप, ये हमारी ब्लीच बनकर तैयार है, ठीक है। ये फटा हुआ दूध ही कमाल का काम करने वाला है हमारी स्किन के ऊपर। ये हमारी ग्लिसरीन ब्लीच बन गई है गाइस, जो हमारे चेहरे को फेयरनेस देगी, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, स्किन को टाइट करेगी, चेहरे से हर तरीके के दाग धब्बे रिमूव करेंगे, चाहे झाइयाँ हैं, चाहे पिगमेंटेशन है, चाहे डार्क स्पॉट है, या फिर कॉर्नर्स आपके ब्लैक हैं, यहाँ का एरिया आपका ब्लैक है उसके लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स किया, और चलिए अब हम इसे लगाते हैं। ब्लीच को लगाने से पहले गाइस आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लोगी, ठीक है। वॉश करने के बाद आपको अपने चेहरे को ड्राई कर लेना है। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ लिया है, और चेहरे के ऊपर अब कोई मेकअप नहीं है। जब आप विदाउट मेकअप बिल्कुल फ्रेश चेहरे पे ये ब्लीच लगाओगी तो रिजल्ट तभी अच्छे मिलेंगे, तभी ये ब्लीच आपकी काम करेगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉटन ले लेना है, ठीक है, और कॉटन में इस ब्लीच को डिप कीजिए। ये ग्लिसरीन ब्लीच बहुत अच्छे काम करेगी आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है। और ये ब्लीच आप सर्कुलर मोशन में इस तरह से लगाओगे अपने चेहरे पे, ठीक है। ये देखो, तो ये ब्लीच गाइस आपके चेहरे से छोटे छोटे दागों को हटाएगी, ठीक है। दाग धब्बे हैं वो भी हटेंगे, स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, चेहरा बहुत ज़्यादा बेदाग, गोरा और टाइट आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर अराउंड द माउथ यानी कॉर्नर पे अगर आपके कालापन है ना, बहुत सारे लोग इसके लिए कमेंट करते हो, वो कालापन भी हटेगा, ग्लो बहुत अच्छा आएगा, स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, पैची नहीं नज़र आएगी। और सर्दियों में आने वाला जो कालापन होता है जिससे आप बहुत परेशान रहते हो, वो नहीं होने वाला है। आप अपने हाथ पैरों के ऊपर भी लगाओगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये ब्लीच को आपको लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, पूरे हाथ पैरों के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर लगानी है। और चेहरे पे लगाने के बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा बस आप मसाज दोगी चेहरे पे, ठीक है। ये देखें, ऐसे आपने चेहरे को मसाज कर लिया। ये ब्लीच, जो ये ग्लिसरीन ब्लीच है ना, इसको अपना काम करने दीजिए 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के अंदर ये आपकी स्किन के अंदर जज्ब होकर जो ऊपरी काली परत है उसको रिमूव करने का काम करेगी, आपकी स्किन को हील करेगी, आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, ग्लो लेकर आएगी, फेयरनेस बढ़ाएगी, ठीक है। तो कम से कम 20 मिनट आपको इसको देना ही देना है, 20 मिनट तक इसको लगा के छोड़िए, और 20 मिनट बाद इसको मैं वॉश करके आपको दिखाती। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए गाइस, और यहाँ पे ये ग्लिसरीन ब्लीच जो थी अपना वर्क कर चुकी है। 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, थोड़ा सा स्टिकी आपको लगेगा क्योंकि ग्लिसरीन है, थोड़ा सा चिपचिपापन उसमें रहता है, बट कोई नहीं, हमें अपने चेहरे को निखारना है, अगर स्किन की केयर करनी है तो इतना तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लीच लगे 20 मिनट हो गए हैं, अब आपको गुनगुने पानी से इसको वॉश कर लेना है। गुनगुने पानी से जल्दी से मैं वॉश करती हूँ और फिर आती हूँ। तो इस ग्लिसरीन ब्लीच को जब आप गुनगुने पानी से वॉश करोगी, तभी पहली बार में ही आपको लगेगा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है, और लाइक मक्खन जैसी स्किन मिलने के साथ ही साथ आपके चेहरे पे ग्लो बहुत अच्छा आने वाला है, शाइन बहुत अच्छी दिखेगी, जैसा कि आपको मेरे फेस के ऊपर और मेरे हाथों के ऊपर दिख रही है। सच में बार बार छूने का मन कर रहा है, स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई इस ग्लिसरीन ब्लीच से। तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश कर लिया है गाइस, ठीक है। बट अगर आपको फेयरनेस चाहिए, एक बार में फेयरनेस नहीं आएगी, एक हफ्ते कंटिन्यू आप इसको यूज़ करोगी, फेयरनेस रिजल्ट आपको एक हफ्ते बाद मिलेंगे, बट जैसे जैसे आप लगाओगी 3-4 दिन होते जाएंगे आपको इसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ब्लीच को लगाने के बाद आपको फेस वॉश, सोप अपने चेहरे पे कतई नहीं इस्तेमाल करना है, सर्दियों में थोड़ा दूर रहिए फेस वॉश और सोप से, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी अपनी नारियल तेल से बनी हुई क्रीम, जिसको जिसने ट्राई किया है कमाल के रिजल्ट मिले हैं। तो ये नारियल तेल से बनी हुई क्रीम के एक और डाउट मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ने बोला दी ये तो जम जाएगी नारियल तेल है, तो ये देखिए मेरी भी ये क्रीम जम गई है। बट आपको क्या करना है, जब आप इस क्रीम को लगाओगे तो हल्का सा अपने हाथों के ऊपर लेकर इसको वॉर्म कर लेना है, आपको हल्का सा गर्म कीजिए और इसको अपने चेहरे पे लगाइए, ठीक है। तो ये देखिए आप, और इससे आपको मसाज कर लेनी है। ये ब्लीच जब आपने लगाया तो ये नारियल तेल से बनी हुई क्रीम आप लगाओगे अपने चेहरे के ऊपर, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सर्दियों के लिए ज़बरदस्त काम करेगी।
तो ये ब्लीच करने के बाद नारियल तेल से बनी हुई क्रीम मैंने फेस के ऊपर लगाई है गाइज, और यहाँ पे इंस्टेंट आप ग्लो देखो चेहरे के ऊपर, स्किन कितना ज़्यादा हाइड्रेट, प्लम्प, ग्लोइंग और शाइनी लग रही है। ठीक है, ब्लीच के रिजल्ट इतने कमाल के हैं, उसके बाद ये नारियल तेल से बनी हुई क्रीम जब आप लगाओगे स्किन के ऊपर, इतना प्यारा सा ग्लो, इतना प्यारा सा चार्म और शाइन इतनी अच्छी आ जाएगी, आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाने वाला है। विंटर में ड्राइनेस, ना कालापन, ना रूखापन, ना झुर्रियाँ, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होंगी इस ग्लिसरीन ब्लीच से। मैंने शेयर करी आपके साथ ग्लिसरीन ब्लीच, आई होप कि ये ग्लिसरीन ब्लीच सर्दियों में आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेगी। एक हफ्ते कंटिन्यू इसका आप इस्तेमाल करो, ठीक है। जो आप केमिकल वाली ब्लीच लगाते हो उसका आप रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतने भर भर के उसमें केमिकल पड़े होते हैं, आपकी स्किन को वो डैमेज करते हैं, ठीक है। बट ये ब्लीच आप इस्तेमाल कर सकते हो डेली अपने चेहरे के ऊपर, बहुत ग्लोइंग चेहरा बनने वाला है, बहुत स्किन टाइट हो जाएगी, सारे दाग धब्बे रिमूव होंगे, चेहरा बिल्कुल ब्लैक नहीं पड़ेगा। सर्दियों में चाहे जितनी सर्दियां पड़ जाएं आपका चेहरा बहुत ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैकनेस नहीं आने वाली है, स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देगा, सॉफ्ट और सपल बनाएगा, और ड्राइनेस छूकर भी नहीं आने वाली है। तो अगर आपकी एज हो चुकी है 18+, तो ग्लिसरीन से बनाई हुई इस ब्लीच का इस्तेमाल आप कीजिए। मैं भी करती हूँ सर्दियों में, तो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डेली इसका इस्तेमाल करो, रिजल्ट देखो, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिले, आपकी स्किन की फेयरनेस बढ़ने लगे, ब्लीच जैसा इफेक्ट आपको फेस के ऊपर नजर आए और आपका चेहरा गोरा और टाइट हो जाए, दाग धब्बे रिमूव हो जाए, तो मेरे साथ इसके रिजल्ट शेयर करना कतई ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी इंतजार रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यही देखने आते हैं कि भाई किसने यूज किया, तो मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा कोई भी रेमेडी आप यूज करें उसके रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर ये ग्लिसरीन ब्लीच का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आज ही मुझसे मिल रहे हैं, तो चैनल को विद आइकन प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत अच्छे वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।